हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षण दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे पीडी बुक का जो रेलवे सामान्य विज्ञान है, इसमें हम लोग साइंस वाला सेट देखेंगे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करेंगे एक एक सेट में। एक सेट में लगभग 30 या 35 क्वेश्चन के लगभग समथिंग रहता है, तो हम लोग एक एक सेट बारी बारी से करेंगे स्टार्ट। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर वन। क्या लिखेंगे? सेट नंबर वन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों ओरिजिनल बुक है जो स्पीडी पब्लिकेशन का बुक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। टेस्ट पेपर वन है दोस्तों, टेस्ट पेपर वन है, तो हम लोग एक से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर वन से। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी है, उसका खोज किसने किया था? तो आपको पता है हेनरी बेक्यूरेल ने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दो। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने दिया था? जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है उसका सूत्रपात किसने दिया था दोस्तों? तो जोसेफ लिस्टर ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ लिस्टर ने दिया था एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने दिया था? तो जोसेफ लिस्टर ने सूत्रपात दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, कह रहा है दोस्तों, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो 1948 में जो गठित हुआ था परमाणु ऊर्जा आयोग, उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष जो थे कौन थे? वो थे दोस्तों होमी जहांगीर भाभा। कौन थे? होमी जहांगीर भाभा थे। क्या थे? जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसका अध्यक्ष कौन थे 1948 में? तो होमी जहांगीर भाभा थे। दोस्तों इसरो का स्थापना कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसरो का स्थापना कब हुआ था आप कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए चार, कह रहा है दोस्तों, ई बराबर एमसी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? ई बराबर एमसी स्क्वायर का प्रतिपादन जो है दोस्तों वो किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था ई बराबर एमसी स्क्वायर। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पांच कह रहा है, अपेक्षिक आर्द्रता का सिद्धांत क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था दोस्तों? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। आगे देखें दोस्तों इसरो से कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपको पता है बेंगलोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? जो चंद्रशेखर वेंकट रमन है उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? उनको मिला था 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर आठ कह रहा है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? जो दोस्तों परमाणु का जो नाभिक है, नाभिक न्यूक्लियस, उसका खोज किसने किया था? वो रदरफोर्ड ने किया था दोस्तों। क्यों कौन किया था खोज? तो खोज किया था इसका रदरफोर्ड ने खोज किया था। किसमें किया था दोस्तों? एक सोने का पत्थर लिया था दोस्तों, पतला सा, उसपे क्या किया था कि अल्फा किरणों की क्या किया था, उसपे बौछार किया था दोस्तों, जहां से किरण जो है पार नहीं हो पाए, एक जो किरण थे पार नहीं हो पाए परावैगनी किरण, तो वहां पे क्या हुआ था? वहीं पे कहा कि यहीं पे क्या है? न्यूक्लियस है। इसका खोज कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर नौ देखिए, कह रहा है दोस्तों कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जितना सूर्य के द्रव्यमान है उसका 1.4 गुना द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा किसको कहा जाता है? तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है दोस्तों। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 को क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है। चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है दोस्तों कि कोस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था? कोस्कोग्राफ नामक जो यंत्र है उसका खोज किसने किया था? उसका खोज जो है दोस्तों जगदीश चंद्र बोस ने किए थे। कौन किया था? जगदीश चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुकृति है? कौन सा? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। क्या? हिंदू साइंस अनुपम कृत किसकी है? तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसका है दोस्तों? तो मेघनाथ शाह की है। किसका है? मेघनाथ शाह की है।
क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का आ रहा है दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके की खोज किसने किया था जल्दी बताइए, के चेचक टीके की खोज किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके की खोज। क्वेश्चन नंबर 13 का आ रहा है दोस्तों, कह रहा है कि किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करता है? कौन बताया था दोस्तों कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य का क्या करता है, परिक्रमा करता है? किसने बताया था? तो जल्दी बताइए किसने बताया था, किसने बताया था दोस्तों? तो आपको पता है आर्यभट्ट ने बताया था। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था दोस्तों, जो पृथ्वी है वो क्या करता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज जो है दोस्तों चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने किया था, ठीक है। चैडविक ने क्या किया था? न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज किया था किसने? चैडविक ने। किसी पदार्थ में तीन प्रकार के होते हैं कण होते हैं, कौन कौन? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और दूसरा होता है, तीसरा होता है क्या? न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था दोस्तों? तो चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड प्रोटॉन का खोज किया था दोस्तों। और नाभिक का भी खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि परमाणु के सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो परमाणु का सिद्धांत है दोस्तों, उसका प्रतिपादन किसने किया है? तो जॉन डाल्टन ने किया है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिज किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसिज किसकी रचना है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसिज जो है चार्ल्स डार्विन का रचना है। किसका है? चार्ल्स डार्विन का रचना कौन सा है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसिज। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन के तत्वों के रूप में खोज किसने की थी? हाइड्रोजन को तत्वों के रूप में खोज किसने किया था दोस्तों? तो हाइड्रोजन जो है दोस्तों, हाइड्रोजन इसका खोज कौन किया था? हाइड्रोजन का खोज जो है दोस्तों, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया था दोस्तों? हाइड्रोजन का खोज किया था। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था दोस्तों? तो हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है दोस्तों, रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? जो रक्त परिवहन है उसकी खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था रक्त परिवहन की खोज। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज किया था रोंटजेन ने। किसने? रोंटजेन ने एक्सरे की खोज किया था। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, किसका रहा है कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो गति का जो जड़त्व नियम है दोस्तों, वो किसने प्रतिपादित किया जल्दी बताइए? तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन? तो गैलीलियो ने किया था गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है गति के नियम किसने दिया था? गति का जो नियम है उसको किसने दिया था? तो गति का नियम देने वाला व्यक्ति जो है न्यूटन है। कौन है? न्यूटन। ऑप्शन इसका बी सही है। कह रहा है भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है दोस्तों? होमी जहांगीर भाभा को, या बीरबल साहनी को, या डॉक्टर सलीम अली को, या मेघनाथ शाह को? तो बैट्समैन किसे बोला जाता है? भारत का बैट्समैन किसे बोला जाता है? तो आप कहेंगे डॉक्टर सलीम अली को। किसको बोला जाता है? डॉक्टर सलीम अली को बैट्समैन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है कि अनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी? जो अनुवंशिकी कोड है उसकी खोज किसने की थी? तो अनुवंशिकी कोड की खोज जो करने वाला है हरगोविंद खुराना है। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था अनुवंशिकी कोड के। अनुवंशिकी कोड के खोज किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप से हम लोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मदद करते हैं दोस्तों। तो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का जो निर्माण है दोस्तों वो किसने किया था? टेलीस्कोप का जो निर्माण है, टेलीस्कोप का खोज कौन किया था? तो टेलीस्कोप का खोज जो किया था गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? किसको? तो लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम को लेकर डूब गया था कौन? डी डुबे ने। किसने किया था लाइसोसोम का खोज? तो डी डुबे ने किया था लाइसोसोम का खोज। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? कौन से चयन? तो प्राकृतिक चयन। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो दिया था डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि
लाइकेन का खोज किसने किया था, किसको तो कहेंगे लाइकोन का, लाइकेन का खोज जो है किसने किया था, तो तुलासने ने जो दोस्तों क्या किया था, लाइकोन का खोज किया था, कौन किया था, तुलासने ने क्या किया था, लाइकेन का खोज किया था, कौन सा, तुलासने ने क्या किया था, लाइकेन का खोज किया था, किसने, तुलासने ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाने वाला, जब जीवाणु है तो क्या करेगा, पाश्चर करेगा, कौन करेगा, जीवाणु का सर्वप्रथम जीवाणु सॉरी ल्यूबेन, जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीवाणु का सर्वप्रथम खोज किया था ल्यूबेन हॉक ने, कौन किया था, ल्यूबेन हॉक ने क्या किया था, जीवाणु का खोज किया था सर्वप्रथम, सर्वप्रथम जीवाणु का खोज किसने किया था, तो ल्यूबेन हॉक ने जीवाणु का प्रथम सर्वप्रथम क्या किया था, खोज किया था, कौन किया था, तो ल्यूबेन हॉक ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो पेनिसिलिन का खोज किया था दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कौन किया था पेनिसिलिन का खोज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आपको कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो कोशिका जो है दोस्तों कौन सा, कोशिका, कोशिका, कोशिका कहें तो क्या कहेंगे, सेल, सेल को हुक से फंसाया था, कौन फंसाया था, तो रॉबर्ट हुक ने सेल को हुक से फंसाया था, तो कोशिका का सर्वप्रथम किसने किया था, तो हुक ने किया था। इंसुलिन का खोज किसने किया था, इंसुलिन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो इंसुलिन का खोज जो है सर्वप्रथम किया था वेटल एवं बेस्ट ने, किसने किया था, वेटल एवं बेस्ट ने किया था इंसुलिन का खोज। गामा किरण का खोज किसने किया था सर्वप्रथम, कौन सा किरण, तो गामा किरण, गामा किरण का सर्वप्रथम खोज जो है किसने किया था, जल्दी बताइए, गामा किरण का खोज जो है सर्वप्रथम वो किया था पॉल विलियार्ड ने, किसने किया था, पॉल विलियार्ड ने गामा किरण का खोज किया था, कौन किया था, पॉल विलियार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहा है रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, रेबीज रोग होता किससे है दोस्तों, तो कुत्ता को काटने से क्या सा रोग होता है, रेबीज रोग होता है, कौन सा रोग होता है, रेबीज रोग होता है, तो रेबीज रोग, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो रेबीज के टीके की खोज किया था लुई पाश्चर ने, कौन किया था, रेबीज का टीके की खोज किया उसने किया था, तो लुई पाश्चर ने किया था रेबीज का टीके की खोज। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा है कि प्राकृतिक वरण का प्राकृतिक वरण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो प्राकृतिक वरण का नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया दोस्तों, तो चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया, कौन सा, प्राकृतिक वरण, प्राकृतिक वरण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। देखिए प्राकृतिक चयन जो है, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, तो डार्विन ने किया। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो डार्विन ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, ऑक्सीजन की खोज दोस्तों किसने किया था, विलियम प्रीस्टले ने किया था ऑक्सीजन की खोज। अब आर लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसने किया था, तो गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार जो है न्यूटन ने किया था दोस्तों, किसने किया था, न्यूटन ने किया था। तो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था, 37 सेट, 37 क्वेश्चन है। चलिए अगले सेट में हम दोस्तों क्या करेंगे, थोड़ा सा सब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव टाइप देखेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे हम लोग चिकित्सा संबंधी देखेंगे, अंतरिक्ष देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग अगला सेट प्रैक्टिस देखेंगे जो इससे संबंधित होगा, इस टॉपिक से संबंधित होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों आप कमेंट जरूर करें, आपको समझ में आएगा और ना भी आएगा तो कमेंट करें दोस्तों, अगर जो किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताने की कोशिश करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। चलिए रहने देते हैं यहाँ तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।